हम नवरात्रि के दौर में चल रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है और पूरी नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो अवसर होता है वो नवमी का होता है। और नवमी का मामला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे नवमी नहीं महानवमी कहते हैं। और इस बार इस नवमी तिथि पर एक महासंयोग भी बना हुआ है, जिस वजह से इस बात की नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी हो गई है। क्या है नवमी तिथि की विशेषताएं, इस दिन का पूजा विधान और महानवमी पर करेंगे कौन सा दान, ये तमाम बातें आपके साथ जानेंगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर नवरात्रि की नवमी तिथि विशेष क्यों है। देखिए, नवमी तिथि जो होती है सामान्यतः किसी भी महीने की नवमी तिथि जो है उसके जो देवता हैं या देवी हैं वो देवी स्वयं हैं। और नवरात्रि की हर तिथि पर तो देवी का प्रभाव होता ही है, इसलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी का विशेष प्रभाव माना जाता है। और नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है वो नवरात्रि की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है, संपूर्ण नवरात्रि की शुभता आपको प्रदान करवा सकती है। जैसा हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि नवरात्रि के नौ दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना होती है। और सिद्धिदात्री माता का जो स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर बाकी सारी देवियां समाहित हैं, इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर एक तरीके से हम सारी देवियों की पूजा कर लेते हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म भी हुआ था, यानी नवरात्रि की नवमी तो है ही, इस दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। और भगवान राम के साथ इसका कनेक्शन इतना ज्यादा गहरा है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी को हम राम नवमी कहते हैं। महानवमी तो है ही, लेकिन भगवान राम का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को पूरी दुनिया राम नवमी के नाम से जानती है।